Good morning to all of you. Now we will start our writing module, and our writing task one is: the chart below shows the proportion of staff employed by age in the public sector in the UK in 2015 and 2020. हाँ जी रजे दो पाई चार्ट मैनशन किए हुए हैं, तो 2015 एंड 2020 का डेटा साढ़े को मैनशन किया हुआ। इन्होंने दसिया हुआ रजे कि एक पब्लिक सैक्टर के एज के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन हुई है कि किन्नी एज के लोग किन्ने परसेंट ने जोड़े पब्लिक सैक्टर काम करते हैं। क्लीयर रजे जिमें 23% जोड़े वर्कर ने ओवर 50 ने, ठीक है, 50+ ने लोग जोड़े 50 तो उपर एज है जिन्हों की वो 23% ने, ठीक है। 14% जोड़े उत्थे इंपलॉई ने वो अंडर 21 ने। क्लीयर अजय 2015 जो कि 2020 जोड़े ओवर 50 लोग सी प्लस सी, उन्होंने सिर्फ काउंट रह गया 16%, सिर्फ 16% वर्कर से जोड़े वह 50+ से। क्लीयर अजय हुण असीं बना के देखते हैं कि 2015 वर्कर्स अंडर 21 वर एक्सपीरियंसड 14% इन 2015। क्लीयर अजे दोबारा बोल दी हाँ कि वे बना सकते हैं, वर्कर्स अंडर 21 वर एक्सपीरियंसड 14% इन 2015, वेयर एज द रेशियो had decreased to 12% in 2020, ठीक है जी। ये 2% नाल डिक्रीज होगी 2020 दे। क्लीयर हुण असीं देखते हैं जी 21 to 30 का, ठीक है। द रेशियो ऑफ इंप्लॉइज बिटवीन 21 to 30 वॉज 23% इन द फॉर्मर ईयर, आफ्टर दैट इट इनक्रीज्ड विद 10% इन 2020, जो कि 10% जो अप्रोक्सीमेटली 10% बढ़ चुकी है 2020 के, ठीक है। इदा रजे सेंटेंस फॉर्म करने हैं, ठीक है, इदा लिख सकते हैं असी। होर कि सेंटेंस बना के देखते हैं रजे, आ देखते हैं 31 to 40 2020। 11% मेच्योर पीपल वर वर्किंग इन पब्लिक सैक्टर इन 2020। क्लीयर अजे ये साडा टास्क कि साढ़े को, मैं एक बार दोबारा सानू सिंपल वर्ड्स दसदी हाँ रजे, टू पाई चार्ट मैनशन किए हैं जिदे दसिया होया कि 2015 के पब्लिक सैक्टर के किन्ने परसेंट लोग सी जेडे अंडर 21 सी, किन्ने परसेंट लोग सी जिन्हां दी एज 21 to 30 सी, किन्ने परसेंट लोग सी जिन्हां दी एज 31 to 40 सी, किन्ने परसेंट लोग सी जिन्हां दी एज 41 to 50 सी। क्लीयर है जी, वो 2015 ते 2020 दा डेटा साढ़े कोल मैनशन किया हुआ। क्लीयर है जी, ओके। हुण असीं देखांगे टास्क टू। हाँ जी, टास्क टू इज इन मैनी कंट्री वेरी फ्यू यंग पीपल रीड न्यूज़ पेपर और फॉलो द न्यूज़ ऑन TV। What do you think are the causes of this and what solutions can you suggest? हाँ जी रजे, कहते इतने बहुत सारिया कंट्रीज ने जिदे बहुत हूँ की हो रहा अजकल टाइम के बीच, बहुत सारे यंग पीपल रीड न्यूज़पेपर तो फॉलो द न्यूज़ ऑन TV नहीं करते, जोड़े न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो जोड़े न्यूज़ नहीं देखते TV पर, ठीक है जी। कि रजे थोड़े लोग ने जोड़े हूँ न्यूज़पेपर तो न्यूज़ पढ़ते हैं तो TV देखते हैं, ये की कॉज ने ते की सल्यूशन ने, ठीक है रजे। ये रीज़न की ने कि घट लोग ने जोड़े पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, एक तो लिख सकते हैं रजे कि हम सारे को फोन है, ठीक है, हर किसी को फोन है, हर कोई फोन पर अपना सारा कुछ देख सकता, जो भी जिस टॉपिक पर वो न्यूज़ कोई देखना चाहते ने वो सर्च करके इंस्टेंट न्यूज़ वो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। Because it is now possible to get instant updates from social sites. Social sites ते रजे instant जो हुणे होया latest news available हुंदियां ने, जदों कि जिहड़ा न्यूज़पेपर है जो अज होया सानू कल नू प्रिंटेड मीडिया के थ्रू मिलेगा, ठीक है, वह फिर उदों नू पुरानियां हो जांदियां ने, लेटेस्ट नहीं रहिंदी, ठीक है।
एक होर लिख सकते हैं जी कि बच्चों के कोल वर्कलोड बहुत ज़्यादा, उन्होंने को चाहे वह पढ़ाई का होवे, काम नू लैके होवे, रिस्पोंसिबिलिटीज हो जा उन्होंने फ्यूचर नू लैके, ठीक है, उन्होंने प्रैशर है। जो स्टडी का लैके लिखती हैं तो असं लिख सकते हैं स्टडी लोड्स एंड प्रैशर ऑफ कंप्लीटिंग असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स आर द मेन रीज़न। ठीक है, मेन रीज़न है कि बच्चे रीड न्यूज़पेपर घट रीड करते हैं तो टीवी घट देखते हैं न्यूज़ देखने के लिए। क्लीयर, होर की लिख सकते राजे कि जो बच्चे अपना टाइम है जो सोशल मीडिया से स्पेंड करते हैं सो उन्होंने ट्रेडिशनल मीडिया के इंट्रस्ट नहीं है। ठीक है, ये की है कि जो बच्चे प्रिंटड मीडिया जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो कोई वीडियोज़ नहीं होंगे, वीडियोज़ के थ्रू नहीं असं देख सकते, जिद बच्चों का इंट्रस्ट घट बनता है। ठीक है राजे, सो सोशल साइट्स होने के नाल बच्चे जिहड़ी चीज़ देखते हैं इंट्रस्ट उन्हों का वधदा क्योंकि उत्थे वीडियोज़ भी अवेलेबल ने, ऑडियो विद वीडियो। ठीक है जी, ये अपने कॉज ने राजे, ट्राई करियो एक आइडिया नूं लैके अच्छे तरीके एलैबोरेट करियो जां फिर मैक्सीम टू आइडियाज़ विद एग्जाम्पल। ठीक है जी, सोल्यूशन की तरफ असीं की लिख सकते हैं टाइम मैनेजमेंट कि जिहड़े बच्चे आ राजे उन्हां नूं अपना टाइम मैनेज करना चाहिए कि इन्ने तो इन्ने टाइम टेबल बनाना चाहिए, इन्ने टाइम तो लैके उन्होंने न्यूज़ देखनिया ही देखनिया ने टीवी को। ठीक है जी, सम टाइम की है राजे सोशल मीडिया से जिहड़ियां न्यूज़ ने वो सही नहीं होंदियां, फेक न्यूज़ होंदियां ने, जेन्युइन नहीं होंदियां, वो किते गल होई ही नहीं होंदी जिहड़ियां सोशल साइट्स से दिखाया जाता। ठीक है जी, जो कि टीवी वालों को होंदा जां प्रिंटेड मीडिया जिहड़ा न्यूज़पेपर उन्हां कोल कॉपीराइट होंदे ने, वो लिख सकते हैं, वो सही जेन्युइन दिंदे ने। ठीक है जी, ये फेक इनफॉर्मेशन असीं गैट कर सकते हैं सोशल साइट्स के नाल। ठीक है, कई बार की होंदा जे ज़्यादा वैबसाइट्स ने जिहड़ियां उन्हां दियां जिहड़ियां न्यूज़ होंदियां ने वो प्रोवोक करदियां ने, लोगों को भड़काउण वालियां ज़्यादा होंदियां ने, जिहदे नाल वायलेंस क्रिएट हुंदा। ठीक है, उहदे खिलाफ कुछ बोलता कॉन्ट्रोवर्सी, उहदे खिलाफ कुछ बोलता जिहदे नाल कि बच्चों का माइंड है जिहड़ा वह डाइवर्ट हुंदा, खराब हो सकता है। ठीक है, इस करके सम सोल्यूशन ने कि उन्होंने अपने टाइम नू मैनेज करके टाइम देना चाहिए, न्यूज़पेपर तो न्यूज़ पढ़निया चाहिए तो टीवी नू फॉलो करके न्यूज़ देखनी चाहिए। क्लीयर, जे BP1 दे विच रीज़न आउणगे, ये नहीं करना कि BP1 दे विच ही एक रीज़न दिता प्लस सोल्यूशन, BP2 च रीज़न सोल्यूशन, ये नहीं करना। BP1 दे विच रीज़न होणगे ते BP2 दे विच सोल्यूशन होणगे, कंकलूजन दे विच राजे एक रीज़न प्लस सोल्यूशन, जो तुसी रीज़न ऑलरेडी मैनशन कर चुके हो BP1 दे विच वो रीज़न आएगा, जो BP2 दे विच सोल्यूशन कर चुके हो लिख चुके हो वो एक सोल्यूशन लिखोगे। क्लीयर राजे, रीज़न प्लस सोल्यूशन। ओके जी, नाउ यू कैन स्टार्ट योर राइटिंग मॉड्यूल।